बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। वो है मजेदार सा गोभी का पराठा जो बहुत टेस्टी और बहुत मजे का है। तो चलिए व्यूअर्स, कम्प्लीट वीडियो को हम वॉच करें, इंग्रीडियंट्स नोट कर लें, हम किस टाइम पे कौन सी स्पाइसेस में डालेंगे और हम कैसे कुक कर रहे हैं गोभी के पराठों को। जो आज का मौसम बहुत प्यारा है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूं। तो आपने जरूर उसको ट्राई करना है और खाना है और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ गोभी के पराठों की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए व्यूअर्स मेरे पास गोभी का सालन बच गया था, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट ना करूं, इससे मजेदार से पराठे तैयार कर लूं। तो व्यूअर्स, ये गोभी का सालन है मेरे पास, उसके अलावा मुझे 2-10 हरी मिर्च चाहिए, थोड़ा सा मुझे चाहिए हरा धनिया, बारीक चॉप कर लेंगे इसको और बहुत बेहतरीन और मजेदार से हम बनाएंगे गोभी के पराठे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अच्छे से हरी मिर्चों को ऐसे कट कर लेंगे। तो मैंने व्यूअर्स ऐसे बिल्कुल मैश कर लेना है, बारीक फॉर्म में लेना है, क्योंकि बहुत टेस्टी और मजेदार से इसके पराठे तैयार होंगे। क्योंकि बड़े बड़े पीस होंगे तो व्यूअर्स हमारा पराठा फट जाएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेना है अच्छे से। एक बैटर समोसा तैयार कर लेना है इसका, क्योंकि गजाइयत से भरपूर है। इसकी हम छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे व्यूअर्स, और साथ ही मैं फ्लेम को ऑन कर लूंगी ताकि तवा रख दूं फ्लेम पर, और फ्लेम पर रखने के बाद थोड़ा सा तवा हमारा प्रीहीट होना चाहिए। जब तक हम इसको तैयार कर रहे हैं, उस टाइम तक हम तवे को अच्छे से फ्लेम पर रख के ऑन कर लेते हैं फ्लेम को। ये देखिए बस, हमने इतनी रोटियां बना लेनी है ऐसे, ये देखिए इस तरह। इसी तरह मैं दूसरी रोटी को भी तैयार कर लूंगी, थोड़ा सा हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे हाथों से और फिर इसको रोटी शेप दे देंगे। इसको भी जो इसी रोटी की तरह बना लेंगे मैं बेलकर थोड़ा सा बड़ा, फिर इसमें हम डालेंगे फिलिंग को। जबरदस्त मजेदार से गोभी के पराठे की रेसिपी तैयार हो रही है व्यूअर्स, को चाय के साथ खाएं, बहुत ही मजा करने वाले हैं, क्योंकि आजकल के मौसम में बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि जैसे बारिश वाला मौसम बना हुआ है, और फिर ये पराठे और चाय साथ, बस इसकी तो बात ही कुछ हो रहा है व्यूअर्स। आप इसको आज ही ट्राई कीजिएगा, अगर आपकी तरफ बारिश हो रही है तो उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बस, मैंने ये रोटी को ऐसे बड़ा कर लेना है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑयल लगाएंगे इसमें। घी से पराठे क्रिस्पी भी बनते हैं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आजकल सर्दी है तो व्यूअर्स घी से ही होता है कि वो जमना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ। अब इसमें हम सारा अच्छा सा ये बैटर डाल देंगे और सही फैला कर डालेंगे इसमें, ताकि कोई जगह खाली ना रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हमारा गोभी का पराठा तैयार हो रहा है। जैसे ही साइड से कुक होगा फिर मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। इस टाइम तक मैं दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेती हूँ। बहुत इजी और आसान रेसिपी है व्यूअर्स, आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, टेस्टी और बहुत मजे की। जैसे ही एक साइड से कुक होगा तो मैं इसको पलट लूंगी। फ्लेम को मीडियम रखना है, ज्यादा फुल फ्लेम नहीं करना। ये देखिए बस, अब मैं इसको रोटी को पलट लूंगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाएंगे और यहाँ दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से कुक होने देंगे, फिर हम इस पर ऑयल लगा देंगे। जब तक मैं दूसरा पराठा भी अच्छे से तैयार कर रही हूँ, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए।
यहाँ पे हम आयल लगाएंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर। इस साइड पे भी हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे आयल और सभी कलर आने से तो कुक करेंगे। उसकी साइड पलट दूंगी इस तरह से गोल्डन कलर आने तक हम कुक कर लें। इस तरह से कुक करेंगे इसको, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देखिए बस माशाल्लाह से कितना सही कलर आ चुका है उसका। हर तरफ से हम इसको अच्छे से कुक करेंगे, कहीं से भी कुक बचा न जाए। हर तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए बस माशाल्लाह गोल्डन कलर तैयार हो गया है। इसको मैं से प्लेटर में निकाल लूंगी। ये देखिए मजेदार बेहतरीन सा गोभी का पराठा कंप्लीट तैयार हो चुका है, टेस्टी और बहुत मजे का। लीजिए बेहतरीन सा गोभी का पराठा कंप्लीट तैयार है, खाएं मजे लें गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी और बहुत मजे के मैंने ये पराठे इस टाइम पे तैयार कर लिए हैं। मैं आपको सर्व कर रही हूँ, आप इस टाइम पे आप इसको कैसे भी के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं। मेरे पास पुदीने की चटनी है जो बहुत टेस्टी और बहुत मजे की। ये व्यवस्था मैंने पुदीने की चटनी बेहतरीन सी बनाई थी, बहुत टेस्टी और बहुत मजे की, तो मैं इसको इसके साथ सर्व करूंगी क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है इस टाइम पे इस पराठे का पुदीने की चटनी के साथ। वैसे तो बहुत स्पाइसी है लेकिन आप इसको इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए बस मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है इस टाइम पे। बहुत ही जबरदस्त है हमारा ये पराठे इस टाइम पे तैयार है, खाएं मजे लें। बहुत ही टेस्टी और बहुत मजेदार से इस टाइम पे पराठे तैयार हो गए हैं। इसी साथ व्यूवर्स अब आपसे इजाजत चाहूंगी, ढेर सही दो मुझे याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। व्यूवर्स अल्लाह हाफिज़।